इस वर्षों का विश्वास 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट NSIT अ प्लेस टू इमेजिन इन्वेंट एंड इंस्पायर NSIT अम्हारा बेटा पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनाव के दौरान सीटों को लेकर माथापच्ची रही कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, सीट शेयरिंग को लेकर विवाद रहा, झगड़ा चला राजनीतिक खेमों में, राजनीतिक दलों में टेंशन बढ़ी रही। और जब सीटों का बंटवारा हो गया तो फिर चुनाव हुए, चुनाव के दौरान राजनीतिक गर्माहट बढ़ती रही बयानों से, वार पलटवार से। फिर चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ गए, और नतीजे जब आ गए तो अब सरकार बनने वाली है प्रचंड बहुमत के साथ देश में NDA की, यानी कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चूंकि अब नतीजे सामने आ चुके हैं और सरकार बनने वाली है तो माथापच्ची, टेंशन, जिज्ञासा अब भी खत्म नहीं हुई है। अब जिज्ञासा और टेंशन है कि मंत्री कौन कौन बनेंगे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी एक बार फिर PM होंगे देश के, लेकिन उनकी कैबिनेट में किनको किनको जगह मिलेगी, मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन नए चेहरे होंगे, अब इसको लेकर जिज्ञासा है। जाहिर है 2-3 दिनों में यह सस्पेंस पूरी तरह खत्म होने वाला है, लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है कि रामविलास पासवान जो लोजपा सुप्रीमो हैं, वो अपने बेटे चिराग पासवान को मंत्री बनाना चाहते हैं। एक TV इंटरव्यू में उन्होंने बयान दिया है, और खबर यह भी है कि रामविलास पासवान संभवतः खुद भी मंत्री बने मोदी मंत्रिमंडल में, यानी कि पिता पुत्र दोनों मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं। आपको बता दें कि बेहद सधे शब्दों के साथ रामविलास पासवान ने यह डिमांड की रख दी है। डिमांड यह है कि बेटे चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाए। एक TV चैनल को दिए इंटरव्यू में रामविलास पासवान ने कहा कि हर बाप चाहता है कि बेटा आगे बढ़े, चिराग को मंत्री बनाने की पॉपुलर डिमांड है। वैसे यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो किसे मंत्री बनाएंगे। 2014 में लोजपा को NDA के साथ जोड़ने में चिराग पासवान ने अहम भूमिका निभाई थी। तो साफ तौर पर रामविलास पासवान ने कहा है कि लोजपा को जोड़ने में चिराग पासवान की अहम भूमिका थी, और पार्टी के फैसलों में, पार्टी की नीतियों में चिराग पासवान की अहम भूमिका रही है, इसलिए वो योग्य हैं कि उनको मंत्री पद दिया जाए, मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह भी। पॉपुलर डिमांड है कि चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाए। रामविलास पासवान ने कहा कि 2014 में राजनाथ सिंह चाहते थे कि चिराग पासवान मंत्री बने, चिराग पासवान ने यह कहकर मना कर दिया था तब कि उनके पास अनुभव नहीं है, इसलिए पिता रामविलास पासवान ही मंत्री बनेंगे। जाहिर है इस बयान के बाद रामविलास पासवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाना चाहिए। बेहद सधे शब्दों में, बेहद नपे तुले शब्दों में BJP के सामने अपनी डिमांड रख दी है कि चिराग को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। हालांकि रामविलास पासवान खुद भी मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे इस पर अभी सस्पेंस है, लेकिन पूरी संभावना है, ऐसे कयास हैं कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान दोनों को इस बार मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, BP जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ECG करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। Sort Care App, solution at your fingertips.